सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बड़ी आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट लेकर आए हैं और इस टेस्ट में करीब 10 क्वेश्चन होंगे और इन 10 क्वेश्चन में हम देखना चाहते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और आगे हमें कितने तैयारी करने की और आवश्यकता है। तो इस टेस्ट को आप पूरे ध्यान से करना, अच्छे से करना, और अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। और दोस्तों हर क्वेश्चन का जो भी आपका आंसर है वो ज़रूर इसके अंदर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, और लास्ट के अंदर आपको देखने की टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है हमें। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 53। इसके अंदर कहा है कि प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है। इफेक्टिव टीचिंग इज फंक्शन ऑफ। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हमें लगता है कि ए ऑप्शन भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा सही कौन सा हो सकता है। तो बताइए दोस्तों इसमें से क्या हो सकता है आपके हिसाब से, और अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है। शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, ये होता है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। अगला है दोस्तों अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। देखिए दोस्तों अधिगम के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अधिगम से काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले करवाया है और बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, और पहले ये सोचिए कि अधिगम होता क्या है, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, आप दे सकते हैं इसका आंसर। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो हमारी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उनके बारे में हमने अधिगम और शिक्षण के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, व्यवहार संशोधन, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। यानी कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, किसी भी तरह से सीखना, कहीं भी सीखना, और जब हम कुछ सीखते तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया है, काफ़ी बार आया है पहले, तो हमें बताना है कि जो टीचिंग की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है टीचिंग का, वो हमें बताना है। तो इसमें देखिए आप इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, आप ध्यान से सोचिए समझिए और इसका आंसर दीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निदर्शन विधि, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है इसका। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए इस क्वेश्चन को। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ मैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बार बार इनको घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। और दोस्तों साथ के साथ अपने आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, या फिर लास्ट के अंदर हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 अपना, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। देखिए पहले इन्होंने विधि पूछी हुई थी, अब इन्होंने इसका ढंग पूछा हुआ कि कौन सा ढंग, यानी कि विधि को इस मेथड भी कहते हैं, ये दोनों की दोनों सेम ही बातें हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए आप क्या होगा, अभी हमने किया है वैसे ये, तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन, ये देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो क्वेश्चन था पहले वाला, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 अपना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इसने दिया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे सर्वोत्तम विधि पूछी हुई है और अगले में इन्होंने सर्वोत्तम ढंग पूछ लिया, और दोनों को दोनों के दोनों का आंसर क्या है, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एग्जामिनर घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और मैं आपको बार 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 एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपको नेट प्लस JRF लेना है तो आप ओल्ड पेपर जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन है। और चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। देखिए दोस्तों इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है। तो बताइए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या कहा है कि कंटिन्यूस फीडबैक देते हैं हम इसके अंदर, यानी कि जब हम पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं तो उसके अंदर कंटिन्यूस फीडबैक होता है। तो कंटिन्यूस फीडबैक किस में होता है, फॉर्मेटिव में होता है, समेटिव में होता है, या प्लेसमेंट में होता है, या फिर डायग्नोस्टिक में होता है, ये सोचिए और इसका आंसर दीजिए। ये बिल्कुल आसान है और इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
चलिए, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन को रोक सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। इसका तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं। ये टॉपिक हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएँ क्या है। तो इसमें आप सबसे पहले ये सभी ऑप्शन देख लीजिए, आप वीडियो रोक लीजिए, रोक के इसमें देखिए कौन सा आंसर हो सकता है इसका। और अभी मैं आपको ये क्वेश्चन है इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, ताकि इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो यहाँ से आप भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो रोक के इसको देख सकते हैं आसानी से, और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, तो ये इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बी सी और डी। देखिए बी सी डी में क्या है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यानी कि इसके अंदर ग्रेड देते हैं हम, छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है, यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैंने डिटेल से बताया हुआ है, हमारी पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है। अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कोड का चयन कीजिए। यानी कि इसके अंदर इन्होंने शिक्षण एवं अधिगम के संबंधों के बारे में बता दिया कि इनके अंदर क्या रिलेशन है दोनों के अंदर, ये हमें बताना है। तो इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं शिक्षण एवं अधिगम से, तो आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, आराम से वीडियो को रोक के देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। मैं आपको ये इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से आप इंग्लिश में देख सकते हैं वीडियो रोक के, और अभी मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम है नहीं। अब ये देखिए दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1, 2, 3 एंड 5। यहाँ से आप देख सकते हैं और अपना कंपेयर कर सकते हैं अपने आंसर के साथ में। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, नैदानिक मूल्यांकन, क्वेश्चन नंबर 8 है। नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। दोस्तों एक बात और भी मैंने बताई थी कि हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि नैदानिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी के अंदर एक शब्द को काफ़ी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर हमें पता है तो हम अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। नैदानिक को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। इसमें देखिए हिंदी ये है और इंग्लिश ये है, दोनों देख के बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए मैं इसका आपको आंसर दिखा देता हूँ। देखिए नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, बच्चे की जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको समझा जाता है और उनको सोल्व आउट करने की कोशिश की जाती है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। ये देखिए इनके अंदर अभिकथन और तर्क दे दिए है, और इनका आंसर हम तभी दे पाएंगे दोस्तों जब हमें शिक्षण और अधिगम दोनों के बारे में पता होगा, और इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है उसके बारे में पता होता हो, तो हम अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। और इसका आंसर देखिए आपके हिसाब से क्या हो सकता है, और इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ मैं ये क्वेश्चन आपको। ये देखिए आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी। और दोस्तों इन क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले भी बिल्कुल डिटेल से एक एक क्वेश्चन के बारे में बातें की हुई है, अगर मैं वही बातें यहाँ पे रिपीट करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें, इनके बारे में समझना चाहें, तो वो वीडियो देख लीजिए। और ये देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है दोस्तों, और चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। और वही बात आती है दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन हमें इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि क्या है। अब देखिए नीचे इंग्लिश का दिया है क्वेश्चन, द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज टू। तो यहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन देख सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। और वही बात, अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो रोक सकते हैं, आसानी से देख के इसका आंसर दीजिए आप। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। इंग्लिश में हम देख लेते हैं, एक्सीलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस, इसका आंसर ये होगा।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों आप हमें सभी बताइए कि 10 में से किस स्टूडेंट के कितने आंसर ठीक है, ताकि हम उस हिसाब से अपनी वीडियो आगे डालें, उसी हिसाब से हम स्टडी करने की कोशिश करें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।